दोस्तों एक न्यू फॉर्म निकला है। फॉर्म नेम है दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मतलब कि DSSB का जो आपका PGT का आपका फॉर्म निकला है वो किसके रिगार्डिंग है? इकोनॉमिक टीचर्स चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसकी गवर्नमेंट जॉब है ना, इसलिए कितनी डेट होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट डेट क्या है इसकी, कब तक होगा, ये सब चीज़ हम इसमें जानेंगे। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन जानेंगे हम। देखिए तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट्स जो आपकी एप्लीकेशन फीस, मतलब कि एप्लीकेशन आप करोगे, मतलब फॉर्म जब आप भरोगे, वो होगी आपकी 3/1/2023 को। लास्ट डेट होगी आपकी 1/2/2023, मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट क्या होगी, मतलब लास्ट डेट तक आप यहाँ तक भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी पे फीस कब तक होगी, 1/2/2023, मतलब फरवरी में 1 तारीख को आपकी लास्ट पे होगी। और जो आपका एप्लीकेशन भरा जा रहा है ये होगा 3 जनवरी 2023 को, एग्ज़ाम पर शेड्यूल जब हो जाएगा, जब आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC WES 0 है हमारी, SC और ST PHB 0 है, ये सब 0। और जैसे कि एग्ज़ाम फ़ीस पे द एग्ज़ाम फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ्री मोड ऑनली, ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि इसमें एज लिमिट कितनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज तो आपकी NA होनी चाहिए, मतलब किसी में पता नहीं है, और मैक्सिमम आपकी 36 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक टीचर के लिए चाहिए। अब इसमें क्या आपको, देखिए इसकी टोटल पोस्ट वैकेंसी, टोटल 6 पोस्ट हैं, 6 वैकेंसी निकले हैं। पोस्ट कोड क्या है आपका, 42.22, मतलब 42 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। टोटल पोस्ट कितनी है, 6। और जो हमारे पास अब इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब कि क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए, देखिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमी विद डिग्री, ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमी विद डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, मीन्स आप और जो आपको चाहिए वो आगे नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी, मतलब कि DSSB की जो आपको वो निकला है, फॉर्म निकला है, उसकी डिटेल्स। थैंक्स।